हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान अब्बासी एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ड्राइव को रीलॉक करेंगे जो आपने बिट लॉकर के थ्रू लॉक किए। और जब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी होगी कि किस तरह ड्राइव को लॉक किया जाता है या पासवर्ड दिया जाता है बिट लॉकर के थ्रू, सो जब मैंने बिट लॉकर इस पर ऑन कर दिया था तो जब आप रीस्टार्ट किया था तब जाके ये लॉक हुई थी। सो अब मुझे इसमें काम है तो मैं इसको ओपन करूँगा या इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझसे अब पासवर्ड जो मैंने बिट लॉकर अनेबल करते हुए दिया था वो लिखूँगा। मैं पासवर्ड लिखा, उसके बाद अनलॉक पे क्लिक, तो अब ये ड्राइव अनलॉक हो गई है। अब इसमें मैं जाके कुछ भी काम करूं या कुछ भी चीज़ रखनी होगी मैंने रख दी, उसके बाद जब मैं वापस बाहर आऊँगा तो ये जो ड्राइव है अब लॉक तब तक नहीं होगी जब तक आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं हो। लेकिन मुझे चाहिए फ़ौरनली, मुझे ये अब लॉक चाहिए क्योंकि अब मेरा इसमें से काम ख़त्म हो गया और मैं इस ड्राइव को दोबारा विदाउट रीस्टार्टिंग इसको लॉक करना चाहता हूँ। तो आप कैसे इसको लॉक करेंगे तो आज की वीडियो में या ट्यूटोरियल में मैं ये आपको बताऊंगा। सो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, उसके बाद एक कमांड है वो आप लिखें, मैनेज MANAGE मैनेज, फिर माइनस साइन BDE फिर स्पेस माइनस लॉक LOCK लॉक फिर स्पेस, फिर जो आपके ड्राइव का अल्फ़ाबेट लेटर है आपके ड्राइव का जिसे वो रिप्रेजेंट है, जैसे कि मेरी बिट लॉकर के थ्रू F ड्राइव लॉक है तो मैं वो लेटर लिखूँगा F, देन उसके बाद कॉलन साइन, देन इंटर। तो अब वॉल्यूम एफ इज़ नाउ लॉक्ड। तो और आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आप ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद जो मेरी बिट लॉकर के थ्रू ड्राइव लॉक थी वो दोबारा लॉक हो गई है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपनी जो ड्राइव है जो आपने ओपन किए बिट लॉकर से लॉक्ड है और उसको आपने ओपन किया है और विदाउट रीस्टार्टिंग आप उसको अब लॉक करना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ये वीडियो के आप कैसे उसको लॉक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारा चैनल है IT बकेट।